सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जल को प्राथमिकता क्रम में लिया है। कोरबा जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज कोरबा के डीन डॉक्टर अविनाश मेश्राम ने बताया कि त्वचा रोग, नाक, कान, गला और क्रॉनिक डिजीज को लेकर जल्द ही हम स्वास्थ्य शिविर लगाने वाले हैं। बताया गया कि लगातार मिल रही शिकायत के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम ने लेमरू और आसपास के इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ लोगों के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। स्वास्थ्य विभाग को ऐसा लगता है कि जड़ी बूटी से लोग इलाज कर लेते हैं और अस्पताल नहीं आना चाहते। निसंदेह क्षेत्र की सड़कें अच्छी हैं, लेकिन संपर्क की सुविधा नहीं है। ये पहले प्रिलिमिनरी जानकारी लेना चाह रहे थे कि आफ्टर ऑल वहाँ पे व्हाट इज द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, व्हाई द पेशेंट इज नॉट कमिंग टू हियर। तो काफ़ी देखा, इट इज़ मतलब बहुत ही मतलब थोड़ा सा पहुँच विहीन तो नहीं है, बट अप्रोचेबल है, परंतु कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, रोड इज़ वेरी नाइस बट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, एंड कहना चाहिए थोड़ा बहुत कि कुछ पर कैपिटा इनकम, जिसके कारण लोग अप्रोच करना नहीं करते हैं, और पेशेंट कई बार अपनी दुख दर्द लेके अपने ही घर में रह जाते हैं, अस्पताल आना ज़्यादा उचित नहीं समझते, जड़ी बूटी से इलाज करना ज़्यादा उचित समझते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में कुछ भ्रम, कुछ भ्रांतियाँ, ये सब मिथक्स छोड़ने के लिए। सर्वहारा वर्ग के सामाजिक सरोकार को लेकर सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों के सामने समस्याएं कम हों, इसके लिए गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।